हमने बोला भाई हम गरीब लोग हैं हम लोग हम छोड़ लो गाड़ी कौन चला रही थी खाजक बुला रहे पुराना पुराना बन गया भाई एसीपी साहब पकड़े थे अपना कोई भी नहीं पकड़ के लाएंगे कौन पकड़े बोलो एसीपी साहब ओटी वी के ऑफिस करें ठहरे हुए थे टर्निंग में मारो देखते नहीं रोड पे से चले होंगे नहीं साहब वो इस वजह चलिए का क्या नाम है रत्ना भाई गल रत्ना भाई गल कालभैरव मंदिर से आगे हाँ वही गली में सामने सामने के लिए हाँ वो कचरा कूड़े के पत्ते रखते हैं भाई को ला रहे पकड़ के पूछा भाई कौन आप चले पूछो क्या है भाई को ला रहे हैं क्या आस्ते बोल रहे हैं आप लाए बोल रहे ना नहीं नहीं उन लोग बोले उन लोग बोलते हम बोलते हैं लाए ना 300 रुपये चालान कर दिए घर में भी प्रॉब्लम है फिर आप तुम शाम का टाइम में आप भी प्रॉब्लम कर रहे हो उन लोग बोले तो आप बोल देंगे मिठाई लेके मैं समझता हूँ 25-50 के या 20-25 के गरीब लोग गरीब लोग बंद कर दिए भाई कौन रास्ता बंद करेगा गाड़ी ले जाने सिवाय पुलिस की गाड़ी के और किसी की गाड़ी हटो जी कोई अगर फिर आप मैं कहाँ से लाए हाँ साहब लाल साहब के पास से लाए तो अंदर है अगर अगर ये लोग कमान के अंदर जाने का रास्ता है ना वो बंद कर दिया है कौन से कमान के अंदर वो अशोकाना का रास्ता है बंद कर दिया है खाने को अंदर जाने का रास्ता कोई नहीं खुला है रास्ता हमें 10 वक्त जाते आते रहते नवीन नहीं भाई इधर भी सुनो इधर भी पेडेस्ट्रियन घूमने का रास्ता तोड़ना आप जो बोले ना क्या बोलते मक्का मस्जिद के सामने इधर तरफ का है ना 9 फीट छोड़ के पीछे रहने का बोल के बोले ना पूरा बीच में भी आ रहे चलता मीडिया लोग भी कर देते लटका देते समय से हटो जी जरा ये आपके बंडी लगने के बाद ये रास्ता रह रहा है ये रास्ता नहीं रह रहा मैं बंडी लगा मेरी बंडी के बाद उन लोग सामने लगा रहे थे इधर सामने लगा बीच में लगा रहे आशुर खाने के बीच में आशुर खाने के बीच में तो उठा के लाएंगे ना मेरी मेरी बंडी है क्या साहब को बोला भी मैं तो नहीं बोल रहे उनका बंडी भी थोड़ा मैं हटा ले तो बोला बताया मैं कमान के हिसाब से बंदा लेना बंद लगा ले तो साहब
साहब आपके वो सैयद लोग कौन है साहब, वो आप लोगों को बदनाम करते रहे डॉक्टर साहब, क्या बताऊं। अभी दो लोग मेरे से बात करे, परसों भी इनकी एक शिकायत आई, 200 रुपीज का चालान कर दे रहे हैं, 100 रुपीज ले रहे हैं, ऐसा कुछ बात आ रही है या बड़े ऑफिसर्स के लिए प्रॉब्लम है? बस आया तो बताइए, बताइए ना उनको, टाइट करिए उन्होंने, बहुत जा रहे हैं उन्होंने, जा रहे हैं ला ले रहे हैं। बोले तो बंदे बंडियों के बारे में हो रहा, मोटर बाइक के हो रहा है, ये मोटर बाइक नहीं बोल रहा साहब, भैया फुटपाथ वालों के लिए, फुटपाथ वालों का उन्होंने खास तौर से जा रहे हैं, उठा रहे ला रहे हैं, वो ऐसा एक बहादुरी का काम कर रहे हैं साहब, उनके नंबर बढ़ाएं या पॉइंट्स बढ़ाएं या जल्दी परमिशन है उनका नहीं मालूम है, वो तो उनकी शिकायत है साहब, पूरा इलेक्शन उनका शिकायत रही यहाँ पर। आप समझदार आदमी हैं, आप कहाँ करते हैं, आप तरीके से जाते हैं, टारगेट भी पूरा होना, आपको रिमार्क भी नहीं आना, वैसा चल रहा है, मिलते रहना ना, आस्ते आस्ते करते हैं। मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है साहब, फुटपाथ पे काम करने वालों को मत, ये पूरे गरीबा हैं, जितने लोग हैं ये गरीब आदमी हैं, 300 रुपये अगर आप चालान करेंगे तो उन्हें पे नहीं कर सकेगा, नहीं पे कर सकेगा। अगर ये पुलिस स्टेशन जोन अगर अगर स्टार्ट हो गया तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट गवर्नमेंट सोची भी है, नहीं नहीं अभी कहाँ साहब, अभी बहुत काम बाकी है, अभी मोर देन 70% काम बाकी है, अभी बहुत काम है, अभी टाइम लगेगा, जब तक इन लोगों के लिए सब्स्टिट्यूट जो होगा जब तक आप इन लोगों को काम करने दीजिए, वहाँ जैसा अपन बता देना, वहाँ करिए देखेंगे, बराबर देखेंगे। చూడండి సార్ మీకు కొత్త మన చూడు రోజే కాదా ఇక్కడ कुछ भी नहीं साहब, आपके एक किस्सा ही साहब है, पता नहीं कहाँ से यहाँ पर आए ट्रैफिक में, एक दादागिरी कर रहे हैं और उन्होंने अपना दबदबा रख रहे हैं, पैसे ले रहे हैं गरीब लोगों से, और गरीब लोग अगर पैसे नहीं दे तो 300 रुपये का चालान दे रहे हैं, अगर वो पैसे दिया तो 200 रुपये का चालान दे रहे हैं। आप कितने का चालान देते हैं एक आदमी को, अगर कोई अगर गलत करा, अगर मेरी दुकान में यहाँ पर मैं कुछ गलत करा मैं, तो आप चालान कितने का देते हैं मेरे को? 100 रुपये ले रहे हैं बच्चों से, ये काम करने वालों से, ऐसा ही है, उनको आप समझा लीजिए ये गलत जा रहे हैं, आप लोगों का भी नाम खराब हो रहा है इसमें, ऐसा दिख रहा है कि भाई बड़े ऑफिसर्स तो इसमें मुलविस नहीं है, वो कर रहे हैं, नए नए कोई आए, सैदुलू नाम है देखिए उनका, ये ना नाम उनका सैदुलू है कोई आपके पास कोई साहब, उनको समझाओ साहब, उनको उन्होंने दादागिरी कर रहे हैं ये एरिया में कर रहे हैं साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब, जैसा आप सर्कल इंस्पेक्टर हैं, आप ACP हैं, आप लोग इतनी रुआब से बात नहीं कर रहे हैं, गरीब आदमी बोल के पासो लिहाज रख रहे हैं, मगर उन्होंने आप पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, समझाइए साहब प्लीज, अभी सुन लो, जैसा
सर ये मैं छोड़ने वाला हूँ, मैं कभी किसी का इल्जाम लगाया सर आपका, कभी किसी का नाम लिया सर, मैं कभी किसी को नहीं दिया आज तक भी। सर अब आके एक साल हो गया ना,